बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो सिंपल पेंडुलम है। हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और ये प्रूव करेंगे कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। और साथ में हमें ड्राइव करना है इसके टाइम पीरियड का फार्मूला और फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन। आर्टिकल है सिंपल पेंडुलम। आपको पता है सिंपल पेंडुलम आमतौर पर हम इसकी बात करें तो किसी भी आइसोलेटेड बॉब को, आइसोलेटेड बॉडी को जिसका मास m हो, आप इसे सस्पेंड कर दें वर्टिकली विद द सपोर्ट, तो ये एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। दिस स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल और मैस शुड बी वेरी स्मॉल बट हैवी, तो ये कुछ कंडीशन है सिंपल पेंडुलम के लिए। एनी आइसोलेटेड बॉडी सस्पेंडेड वर्टिकली विद इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बाई अ फ्रिक्शनल सपोर्ट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। इसकी मोशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये यहाँ पर रेस्ट में है, ये इसकी पोजिशन, जिस जगह पर ये रेस्ट हालत में है, रेस्ट स्टेट में है, इसको हम कहते हैं इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी इसे कहते हैं, मीन पोजीशन भी कहते हैं, हम इसको रेस्ट पोजीशन भी कह सकते हैं। जिस जगह पर ये बॉडी, ये पेंडुलम रेस्ट में है, रेस्ट स्टेट में है, इसको हम कहते हैं ये इसकी किस स्टेट क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ है। हम इसे क्या करवाते हैं कि यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ से इसे मूव करवा देते हैं टूवर्ड्स इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन पहले ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस बॉडी पर दो तरह की फोर्स ऐड कर रही है। वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एक फोर्स इसके ऊपर जो ऐड कर रही है वो इसके सेंटर पर नीचे की तरफ ऐड करने वाला इसका वेट है, डैट फोर्स इज इक्वल टू mg। और जो सेकंड फोर्स है इस एक्शन का रिएक्शन है और डैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन के बारे में आपको पता है टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है कि टू एवरी एक्शन देर इज अ रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है। अगर इस बॉडी पर एक्शन फोर्स नीचे की तरफ ऐड कर रही है जो कि इसका वेट है, तो ये बॉडी रिएक्शन के तौर पर जो फोर्स एड करता है ऑन आवर हैंड या सपोर्ट, जिस सहारे के साथ आपने उसे पकड़ा हुआ है, लटकाया हुआ है, उसके ऊपर जो फोर्स एड करेगी थ्रू दिस स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ये हमारे इनके बेसिक लेवल पर आप ये समझ चुके हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होती है। तो मैंने इस बॉडी को यहाँ से, इसकी मीन पोजीशन से, इसकी रेस्ट पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से लिफ्ट किया अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मैं इसे ले आया हूँ एक नई स्टेट पर, और ये इसकी जो स्टेट है इसको मैं इंडिकेट करता हूँ ए से। ये इसकी न्यू स्टेट ए है और यहाँ से आपने इसे मूव करवाया मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले आए। अब जब आप यहाँ पर ले आते हैं तो इसके ऊपर जब ये एंगल जो है वो अब क्रिएट कर रही है एंगल थीटा, और अगर वेट देखा जाए अभी भी यहाँ पर इसके ऊपर जो इसकी फोर्स है, जो इसके वेट की इक्विवेलेंट है, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होगी, और दिस फोर्स इज इक्वल टू एम जी, वेट ऑफ द बॉडी है, और इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द रेफरेंस लाइन, दिस इज द एंगल थीटा। सो दिस वेट एम जी कैन बी रिजॉल्व इन टू टू कम्पोनेंट्स। इसको हम दो कम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। थीटा के सामने वाला जो इसका कम्पोनेंट है वो परपेंडिकुलर कम्पोनेंट है, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट कर देता हूँ। ये इसके साथ यहाँ पर 90 का एंगल बना रहा है, तो ये इसका परपेंडिकुलर कम्पोनेंट होगा, डैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है एम जी कॉस ऑफ थीटा।
आप देख सकते हो वेट का ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड है, जबकि रिएक्शन के तौर पर इसके ऊपर जो फोर्स एड करेगी डेट इज द टेंशन टी इन द एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ एल थी, इसमें टेंशन रिप्रोड्यूस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको देखूँ तो ये वर्टिकली अपवर्ड है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, इन सब का सम जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो टी इज बींग बैलेंस्ड बाई इट्स वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड जो इसके ऊपर एड कर रहा था एम जी कॉज ऑफ थीटा है, मीन टी माइनस एम जी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट कंडीशन इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, जबकि सेकंड कंडीशन तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट कंडीशन इसके ऊपर लागू हो रही थी तो हमने इसको डिस्क्राइब किया कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब इसका जो दूसरा कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, अगर मैं इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो अगर ये कंसीडर किया जाए इट इज डायरेक्टेड टू वर्ड मीन पोजीशन, ये जो कंपोनेंट है ये इसकी मीन पोजीशन की तरफ है या अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है, तो रिस्पॉन्सिबल इसकी मोशन के लिए यही होगा। क्यों? जब मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एड कर रही थी वो मैं जीरो कर देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा हुआ है किसी भी बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उस बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से अवे पुल करते हैं। उसको पुल करने वाली जो फोर्स है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, इसके यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना आता है या इसकी लंबाई में इजाफा कितना होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये अप्लाइड फोर्स है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। यहाँ पर भी इसके ऊपर एक फोर्स एड कर रही होगी जो इसको मीन पोजीशन से दूर लेके जा रही है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगी, वेट का वो कंपोनेंट जो इसके डायरेक्शन में है और वो है एम जी साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, जो इसको इसकी मीन पोजीशन से अब वे डिस्प्लेस करती है। अब दूसरी बात कि यहाँ से वापस इसे मीन पोजीशन की तरफ कौन सी फोर्स लेकर आती है, तो हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स विच ट्राई टू ब्रिंग अ बॉडी बैक टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर एक्ट करने वाली रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी होगी तो इसी अप्लाइड फोर्स के बराबर। हमने कहा था रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इन टू एक्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसके ऊपर जो अप्लाइड रिस्टोरिंग फोर्स एड कर रही है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी इन टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है सेकेंड लॉ स्टेट इस तरह से करते हैं कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ पर ये नेट फोर्स के ऊपर एड कर रही है, वो नेट फोर्स क्या करेगी उस हमें यहाँ पर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स एड करती है तो वो मास में क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, इसे आप इक्वेशन नंबर टू कह दें। दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम, दिस इज आल्सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, अगर इक्वेशन नंबर वन और टू को कंपेयर किया जाए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड मस्ट आल्सो बी इक्वल एम जी एम ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस एम जी इन टू साइन ऑफ थीटा। हमें मैथ से आप मैथ कैंसिल कर देते हो तो ए इज इक्वल टू माइनस जी इन टू साइन थीटा। ये एंगल बहुत स्मॉल है, हमने इसे बहुत स्मॉल ट्विस्ट प्रोड्यूस किया है इसके अंदर, तो फॉर स्मॉलर एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
थीटा। अगर साइन, अगर आपके पास एंगल जो है वो बहुत छोटा हो तो साइन की वैल्यू वही होगी जो एंगल की वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर अगर साइन, अगर आपके पास एंगल बहुत स्मॉलर है, मतलब जीरो है लेट से, तो साइन जीरो भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर है जो कि एंगल था, तो हम कह सकते हैं फॉर स्मॉलर एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो जहां पर साइन थीटा लिखा हुआ वहां पर आप क्या लगा सकते हैं, थीटा लगा सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू माइनस जी इन टू थीटा। अब अगर इस इक्वेशन में, इस डायग्राम में देखा जाए तो ये जो आर्क है एस, और यहां पर एक कॉर्ड लेंथ भी है, ये कॉर्ड लेंथ है एक्स, इसकी लेंथ एल थी, थीटा के सामने वाला बिल्कुल ये इसका परपेंडिकुलर होता है। तो आप वैसे भी, हमने ये पढ़ा हुआ है एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन था, हमने पढ़ा था एस इज इक्वल टू आर इन टू थीटा, आर्क लेंथ एस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, आर्क लेंथ एस शुड बी इक्वल टू आर की जगह पर इसका लेंथ है इन टू एंगल थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर एल। जहां पर थीटा लगा हुआ है वहां पर आप एस ओवर एल वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू माइनस जी इन टू थीटा की जगह पर एस ओवर एल, क्योंकि हम स्मॉलर एंगल की बात कर रहे हैं, आर्क लेंथ शुड बी इक्वल टू आर्क लेंथ कॉर्ड लेंथ एक्स। जो आर्क है वो किसमें लाइन तब्दील हो जाएगी, स्टे लाइन में तब्दील हो जाएगी, और उसको हम एक्स रिप्लेस कर सकते हैं फॉर स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल के लिए आर्क लेंथ मस्ट बी इक्वल टू कॉर्ड लेंथ एक्स, एस जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। हैंस ए इज इक्वल टू माइनस जी इन टू एक्स ओवर एल, ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इन टू एक्स। ये आपके पास इक्वेशन आ गया। एक्सेलरेशन हमें पता है इट इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लिया जाए, मतलब सिंगल डेरिवेटिव लेने पर वेलोसिटी और डबल डेरिवेटिव लेने पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को मैंने रिप्लेस कर दिया, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इन टू एक्स। इसको इस तरफ लेके आए इक्वल के लेफ्ट साइड पर तो ये पॉसिबल हो जाएगा, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस जी ओवर एल इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ गई है, इसका जो सोल्यूशन है वी नो डैट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसा बॉडी जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, मैंने कल भी रेफरेंस दिया था कि आपके पास चैप्टर नंबर 7 है ओसिलेशन का, उसके अंदर हमने फेज एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, और उससे पहले इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किए हैं। तो वहाँ पर भी हमने जो बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसके लिए हमने ये ड्राइव किया था। तो हम यहाँ पर अगर इसका सोल्यूशन देखें कि इसका डबल डेरिवेटिव लिया जाए, वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर इसकी जगह पर x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी x नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस जी ओवर l, x की जगह पर आपने दोबारा वैल्यू पुट की x नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख के लिख देता हूँ, उस तरफ शायद नज़र ना आ रहा हो। तो अब इसका आप डबल डेरिवेटिव लें, सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ओमेगा ऑफ जो एंगल का डेरिवेटिव है वो ओमेगा आएगा, दोबारा फिर इसका लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये कुछ इस तरह से डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्केयर इन टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस जी ओवर एल इन टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू
जीरो। नेक्स्ट इसमें आप माइनस को या एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस वाई को कॉमन ले लें, दूसरी तरफ वो जाके जीरो हो सकते हैं, नहीं तो आप इस माइनस के टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये हो जाएगा जी ओवर एल एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये वाली टर्म इससे ख़त्म, कैंसिल हो जाएंगी, तो g ओवर l इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू g ओवर l का स्क्वायर रूट। वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2π ओवर ओमेगा, t इज इक्वल टू 2π, ओमेगा की जगह पर आप इसकी वैल्यू पुट करें g ओवर l का अंडर रूट इज इक्वल टू 2πL ओवर जी का अंडर रूट, तो इसका टाइम पीरियड आ गया। एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर 2π, ये आप जी को ऊपर ले आए एल को नीचे रख लेते हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। तो ये इस तरह से आप इसको मज़ीद क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा फोकस करता हूँ, जी ये यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर इस तरफ जगह नहीं थी तो यहाँ थोड़ा सा आगे चला गया। ये डबल डेरिवेटिव इसका आपने लिया, ये सारे फंक्शन है इक्वल टू जीरो, वैल्यूज पुट की हैं, डबल डेरिवेटिव लिया इक्वल टू जीरो, तो आगे ये क्लियर है। दोबारा रिपीट कर लें, तो सिंपल पेंडुलम इज अ आइसोलेटेड बॉब अटैच टू अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग सस्पेंडेड वर्टिकली विद द सपोर्ट, तो इसको हमने कहा ये अपनी मीन पोजिशन पर रेस्ट में था, तो हम इसे मीन पोजिशन से वेट पुल करते हैं, तो जब हमने इसको मीन पोजिशन से पुल किया तो इसका वेट एम जी, इसके दो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और इसकी मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो हमारे पास एम जी साइन थीटा है जो इसके ऊपर फोर्स एड कर रही थी, तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ये नेट फोर्स के ऊपर एड कर रही थी, तो नेट तो उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस करती है, तो उसके लिए मैंने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों को कंपेयर करने पर आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस जी इंटू साइन थीटा आ गया। फॉर स्मॉलर एंगल मैंने कहा साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो मैंने साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा के साथ, और एस इज इक्वल टू आर थीटा, इससे आप एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसे आप ये फाइंड कर सकते हो एस इज इक्वल टू आर की जगह पर इसकी लेंथ है एल और एंगल थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर एल, यहाँ पर वैल्यू पुट की ए इज इक्वल टू माइनस जी एस ओवर एल। फॉर स्मॉलर एंगल आर्क लेंथ इज इक्वल टू कॉर्ड एक्स, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इसको एक्स के साथ और मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब इसको एक्सेलरेशन को मैंने इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव लिखा, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल, और नेगेटिव साइन था वो इसको मैंने इस तरफ लेफ्ट साइड पर लेके आया, तो ये प्लस का हो गया जी ओवर एल इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक्स एंगुलर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास होती है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड किया आपके पास ये आ गया, इसको दूसरी साइड पर लेके जाए प्लस का हो गया, और सिमिलर क्वांटिटीज को हमने कैंसिल आउट कर दिया आपके पास ये वाली टर्म आ गई ओमेगा की वैल्यू, इसे टाइम पीरियड के फार्मूले में आपने पुट किया तो आपके पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया 1/2πg/L√। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था, बहुत शुक्रिया।